हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आज बेतिया से मोतिहारी जाने वाला हूं, जो कि 1:16 एक्सप्रेस जो नरकटियागंज से चल के वाया बेतिया सुगौली मोतिहारी के रास्ते मुजफ्फरपुर को जाएगी। यह गाड़ी नरकटियागंज से 1:45 से वहां से खुलती है और मुजफ्फरपुर को 5:05 पर पहुंचती है। तो मैं आज बेतिया से जाने वाला हूँ मोतिहारी, क्योंकि ये फाइनल है, क्योंकि अभी मैं स्टेशन पर आ गया हूँ। तो आप लोगों को मैं पूरा वीडियो दिखाऊंगा यहाँ से मोतिहारी तक का। और मैं ये बता दूँ कि यह मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, जो मैं कि आप लोग से बताना चाह रहे थे कि मैं थोड़ा हकला बोलता हूँ। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि मैं जहाँ जहाँ हकला कर बोलूँ और आवाज़ थोड़ा रुक रुक के आए, तो आप लोग मतलब आप लोग नाराज़ ना हो, क्योंकि गॉड गिफ्टेड है मेरा। तो मैं फर्स्ट ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ, तो यही मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट दीजिए। और क्या बताएं, बस यही था कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब चलिए आपको दिखाता हूँ सब कुछ। एक बाउंस कर लो, चलिए मैं चलता हूँ अभी स्टेशन की ओर और देखते हैं क्या होता है। ओके, देखिए फाइनली मैं स्टेशन पे आ चुका हूँ। सामने वाली ट्रेन बेतिया से गोरखपुर, जो कि बेतिया का टाइम 8:40 है। यह हमारी बेतिया स्टेशन। गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही है। फाइनली ट्रेन आ चुकी है, काफी भीड़ दिखाई दे रहा है। इंजन के एक बोगी पीछे ही बैठने वाला, क्योंकि आनंद आती है आवाज सुन सुन के। विकलांग वाले भी बहुत ही लोग नहीं छोड़ते, मैं उसमें नहीं छोड़ूंगा, मैं पीछे जाऊंगा। बेतिया से खुल गई ट्रेन। बेतिया GRP थाना।
मझवलिया से फाइनली ट्रेन खुल चुकी है, फिर रुक रही आगे, काफ़ी लग रहा है कि आगे लाइन क्लियर नहीं है, गाड़ी रुक गई फिर से चलेगी। ट्रेन फिर से चलने लगी, मझवलिया चीनी मिल काफ़ी ये पुरानी है, बड़ा भी है बहुत, इधर आने पर बहुत गंद आती है, देखिए इसका पानी कितना काला काला। अभी मझवलिया से चले थे और जो सुगौली अब आने वाली है, सुगौली में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जा रही है, देखिए कितना अच्छे से से गाड़ी चल पड़ी है। जाओ जाओ सगौली जंक्शन में 2 मिनट का ही पड़ता, यहाँ से चल पड़ी है जा रहे हैं मोतिहारी, एक बहुत सारी एक्सप्रेस नरकटियागंज से मुजफ्फरपुर पहुँचेगी 5:10 में। मैं जहाँ जहाँ गलत बोल रहा हूँ वहाँ वहाँ थोड़ा
माफ कीजिएगा क्योंकि मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग है, माई फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो उतना एक्सपीरियंस है नहीं, थोड़ी थोड़ी करते करते एक्सपीरियंस हो ही जाएंगे। बस आप लोग का साथ रहे, मैं ऐसे करता हूँ। मोतिहारी से फिर मुझे बेतिया लौटना है, तो उधर से 1:22 गरीब रथ एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर से अनुगेट जाती है, उसी से मैं फिर से जा रहा। काफ़ी मैं आगे खड़ा हुआ था, बहुत दूर थे, इसलिए पीछे वाले डब्बा में आ गया हूँ। इधर तो रिलैक्स है, देख सकते हैं ये जो लाइन, ये जो लाइन जा रही है सामने वाली, यही हमारी हमारी ट्रेन चल पड़ी। अब यहाँ से एक बार मोतिहारी के लिए
ना। मोतिहारी आ चुके हैं। मोतिहारी के स्टेशन पे ये रहा सामने में हमारी ट्रेन जिससे हम आए थे। तीन बज के 56 चलिए थोड़ा बाहर कर लिया तो देखा देता हूँ। मोतिहारी का बाहर का गांधी जी छोटे लाइन से मोतिहारी में आते तब वो लगाया गया डब्बे में। मोतिहारी बाहर का लोकेशन है। सामने देखिए गांधी जी का तीन बंदर, सामने लिखा हुआ है सत्याग्रह 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 गांधी जी के तीन बंदर। मोतिहारी स्टेशन काफी अच्छा है, देख सकते हैं। नेशनल फ्लैग्स तो काफी हवा में लहरा रहे हैं। अपना वीडियो अब जा रहा हूँ स्टॉप करने क्योंकि हम लोग मोतिहारी आ चुके हैं। मैं मोतिहारी तो आ चुका हूँ, मोतिहारी का सब कुछ सबको बता दिया। बाहर कभी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो आप लोग तो मुझे गाली ही दे दोगे कि ये बंदा कहाँ से चला आया। तो मैं कोई भी काम बढ़ते बढ़ते होता है तो मैं आपसे बस यही बोलना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ मुझसे गलती हुई है बोलने में दिखाने में तो आप लोग से यही मेरा प्रार्थना है कि आप लोग माफ़ करेंगे। मिलते हैं, दूसरा ब्लॉग भी अपना बनाएंगे और कोशिश करेंगे उसमें कि अच्छे से बोल पाए। देखिए मैं ना थोड़ा हकला हकला बोलता हूँ इसलिए मैं इतना अच्छा से बोल नहीं पा रहा हूँ, रुक जाता हूँ बोलते बोलते। चलिए फाइनली ठीक है क्योंकि मुझे अभी स्टेशन पर ही रहना है, गरीब बताएगी तो फिर जाकर बोला। ठीक है, मैं अपना वीडियो स्टॉप करने जा रहा हूँ तो लाइक करें, फॉलो करें, सॉरी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बस आप लोग से यही मेरा अनुरोध है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।